अरे आया 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 कौन आया? अरे कौन है रे? और क्या चाहता है? गरीब ब्राह्मण हूँ साहब, साहब से भेंट होगी। अरे साहब, तुम जैसों से नहीं मिलते। क्यों, हम गले हैं, सड़े हैं या हमारे मुंह पे कुछ लगा है? अरे काका, तुम्हारे जेब में पैसे तो है नहीं, भीख मांग कर मुकदमा लड़ने आए हो हैं? तो उसमें कुछ बुरा है हा? अरे ना, घर बेचकर मुकदमा नहीं लड़ते तो कोई गुनाह करते? जिंदगी भर मुकदमा लड़ते आए हैं, घर का एक पैसा नहीं खर्च किया हा? पूरे इलाके में हमारा नाम है, कोई डर पर कर दे तो अदालत में ले जाने का दावा करते हैं। अरे काका, तुम्हारा कभी किसी बड़े आदमी से सांप का नहीं पड़ा होगा हा? ए, बड़े बड़ों को लाल घर पहुंचा दिया हा? और हाई कोर्ट तक पहुंच है हमारी। अरे जिस चीज पे दांत लगाते हैं उसे अपना करके छोड़ते हैं, समझते का हो तुम? साहब को बुलाओ या हम बुलाएं? अच्छा ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, वहां जाइए, बुलाते हैं। वहां एकदम कोने में आगे और आगे और आगे जाइए। अरे आपका घर भेज दोगे क्या वापस? अच्छा ठीक है, वही खड़े रहिए, एकदम हिलिएगा नहीं, बुला रहे हैं। हाँ साहब, एक आदमी आया है। भैया कैसा है? अरे साहब क्या बताए, एक नंबर का कंजूस मक्खीचूस खस्ता हाल, पैसे आपके बिल्कुल नहीं दे पाएगा। भैया कुदड़ी में ही लाल पलते हैं, जा भेज तो दे सर। अच्छा ठीक है साहब, बुलाते हैं अभी। काका, अरे ओ काका, अरे मर गए ये जिंदा हो, जिंदा हो, जिंदा हो भाई, जाइए, बुलाया है आपको, जल्दी आइए। सलाम साहब। जगत पांडे, अच्छा अच्छा तो तुम हो, भैया तुम्हारा मुकदमा तो बड़ा कमजोर है, भले आदमी जालसाजी भी तुमसे ना की गई। ऐसा ना कहें हुजूर, गरीब ब्राह्मण हूं, मर जाऊंगा। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन जगत पांडे, लेकिन साज को आज क्या, भैया तुम्हारा मुकदमा बड़ा कमजोर है। अभी तो सरकार की पनाह में आया हूँ। अरे तो अब क्या सरकार मिसल बदल देंगे या तुम्हारे लिए नया कानून बना देंगे? तुम धोखा खा गए थे। हाँ बड़ा बड़ा दया होगा सरकार, बड़ा दुख में है सरकार। जगत पांडे है, पांडे जी यहाँ भी अपनी चालबाजियों से बाहर नहीं आओगे? अरे भैया इतने में हमारा कुछ ना होगा, जरा और निकालो, जेब डील करो। बहुत तंग हो देख बंधु। अरे भैया कम से कम हमारे नाम की तो इज्जत रख लो। लुट जाऊंगा सरकार, ऐसा ना कहिए। अरे लुटे तुम्हारे दुश्मन जगत पांडे, जो घर बार बेच के मुकदमा लड़ते हैं। अरे तुम्हारा तो भगवान भला करेंगे, देखो देखो जरा हाथ डालो एंटी में और निकलेगा। जालिम है, जेब काट काट कर, पेट जला जला कर, छोटी का भाइयां दे देकर इतने रुपए कमाए थे, सब सब ले लिया आपने हाँ? पेट काट काट के इतने जला जला के कमाए थे, लीजिए सरकार। लग रहा है मंदिर से आ रहे। ठीक है भैया जाओ, लेकिन एक बात समझ लो, कानून से बाहर में जो मर्जी नहीं जाता, क्या समझे? करूंगा मैं वही जो कानून की मंशा होगी। ठीक है चलो जाओ। जी सरकार। सुना साहब, अरे आया 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 कौन आया? अरे आया 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 कौन आया? जी कहिए साहब। आए दिखते हो? हाँ साहब, कल ही साहब के यहाँ लगे हैं नौकरी पर। कहिए साहब को आपके बारे में क्या बोल रहे? उनसे कहो शुकुर के मुख्तार सत्यदेव आए हैं। जी साहब। तो अरे मुख्तार साहब आइए 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 बैठिए।
ये मुख्तार साहब, ऐसा लगता है आप अपने इलाके में गरीबों को जिंदा ना रहने देंगे। ये पर्वत ये कहिए, इन गरीबों के मारे हमारा जीना तो बंद हो गया। आप जानते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, जमींदार को कुछ ना कुछ सख्ती करनी पड़ती है। और गंगा कसम थोड़ा सा झूठा था, अब इसी जगत पांडे को देख लीजिए। अगर जगत पांडे मुकदमा जीत गया तो हमें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा। अब हुजूर ही बताएंगे तो बच सकते हैं। राजा साहब ने सलाम अर्ज किया है, जगत पांडे की ऐसी खबर ली जाए तो वो याद रखे। अब ये ऐसा है, करता मैं वही हूं जो कानून की मंशा होती है, कानून से बाहर में जो भी नहीं जाता आप जानते हैं। अब हुजूर ने सलाम भेजा। अरे मुख्तार साहब, आखिर आप कोई वकील तो करेंगे ही, उसे क्या दीजिएगा। भैया ऐसा समझ लीजिए कि अगर 5 पेशियां भी हुई तो आपके 1000 ढीले हो जाएंगे, इधर आप उसका आधा ही पूरा कर दीजिए तो एक ही पेशी में फैसला करवा दूंगा। हाँ तो मैं राजा साहब से कह दूं कि वो फिक्र ना करे, हुजूर की नजरे करम हो गई। नहीं 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 भैया, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, अपनी ना इतनी अच्छी नजर है ना ऐसी नजरे करम करते हम वही है जो कानून की मंशा होती है, होगा वही जो कानून में लिखा होगा। जाके कह दीजिए राजा साहब से। हाँ मुझे यकीन था कि मेरी जीत होगी, मगर मेरा दावा खारिज हो गया, तो उस पर पैसे के घाट ज्यादा का। लाला साहब को पता नहीं किस बात का घमंड है, सब खत्म कर दूंगा, सारा रुआ भुला दूंगा। हाँ हड्डियां फोड़ फोड़ कर निकलेंगी, उसके दरवाजे पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। आज से मेरा डेरा जमेगा उस पेड़ के नीचे, सेना के घर के सामने। सेना इंसान नहीं, शैतान है शैतान, आदमियों को निगल जाता है। मेरे पैसे खर्च हो गए और ऊपर से डिग्री भी, अगर यही करना था तो पैसे क्यों निकले। इन्हें इन्हें अपना कहते हैं, इन्हें भाई बंधु कहते हैं, इनसे अच्छे तो अंग्रेज हैं। अब का करोगे भैया? हड़ताल, भूख हड़ताल, ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। भैया फिर तो गजब हो जाएगा। गजब का गजब हो जाएगा, मर ही जाएंगे। हाँ कुछ खा लो भैया। हाँ खाएंगे, जरूर खाएंगे। का खाएंगे भैया? जहर, जहर खाएंगे। अरे मैं क्यों डरू जगत पांडे से, बड़ा आया जगत पांडे। अरे मुझ पर रिश्वत खोरी का इल्जाम तो कोई लगा ही नहीं सकता, और लगाएगा भी तो साबित कैसे करेगा। अरे मैं बड़ा होशियार खिलाड़ी हूँ, मेरा मतलब है बड़ा होशियार खिलाड़ी हूँ। शहर के सब बड़े बड़े राजा रईस जमींदार मेरी इज्जत करते हैं, दरोगा मुझे इज्जत की नजरों से देखते हैं। अरे मेरे ऊपर ये इल्जाम तो कोई सिद्ध ही नहीं कर सकता। पांडे अरे कोई है? ये बेटा कितनी बार कहा है घर से आया, यहाँ की दुकान बंद है। अच्छा जाके जरा देख तो पेड़ के नीचे खड़ा जगत पांडे क्या कहता है। कहता है बहुत बड़ा लगूंगा, जिस दिन मरूंगा एक के दो जगत पांडे होंगे दो। अरे कैसी कैसी गंदी गंदी डरावनी डरावनी बातें करता है, अरे उसे
ससुरा भूख प्यास से निजात होके आप यहाँ चला जाएगा, क्या समझी? अच्छू भगवान, तुम भी समझती नहीं हो बात को और चली जाती हो रात को। अरे अगर नौकरों के सामने इस तरह बतियाओगी नौकर ताड़ जाएंगे और हमें उल्लू बनाएंगे। उल्लू चिंता तो मुझे जरा भी नहीं कि मेरे सर पे ब्रह्म हत्या लगेगी या हमें ब्राह्मण की वेदी बना के पूजा करना पड़ेगी। ये भी जानता हूं कि अक्सर लोगों को उनके गुनाहों की सजा नहीं मिलती, लेकिन फिर भी तू जो इतना कहती है तो जरा डर सा समझ आता है। ब्रह्म हत्या ब्रह्म हत्या, देख तू बिल्कुल चिंता ना कर, आज रात को मौका पाते ही मैं उसके पास जाऊंगा और जैसे भी बनेगा उसे मना दूंगा, ठीक है? तू धीरज रख, इतनी बेचैन ना हो, चल भी कर चल। पंडित जी, पंडित जी, ये जगत पांडे पूछते हो? मैं देख नहीं रहा, मर रहा हूँ। ये तो भैया, मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने तुम्हारे 150 रुपए ही तो लिए हैं। अब इतने जरा से रुपयों के लिए इतना बड़ा सत्याग्रह करोगे क्या? क्यों जरा सी बात पे जान देते हो? 150 रुपए की नहीं है सेना, तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, तुमने मेरी डिग्री खराब कर दी। अगर वो मिल जाती मुझे 10 बीघे जमीन मिल जाते, मेरा नाम हर जगह होता। पर तुमने मेरे 150 नहीं, मेरे 5000 बिगाड़े हैं, 5000। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने जो भी घमंड है सब सत्यानाश हो जाएगा। इस अदालत में तुम्हारा राज होगा, मगर भगवान की अदालत में ब्राह्मणों का राज है। ब्राह्मण का पैसा लेके कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। अरे अरे भैया जगत पांडे, ऐसा है गुस्सा थूक दो, पुरानी बातें भूल जाओ, अब ये बतलाओ कितना पा जाओगे कि मेरा पाप माफ करोगे। हाँ, अब भी 5 रुपए लो। जिला उसके जमा। चलो ठीक है भैया, 50 रुपए। अरे भैया
5000 तो बहुत ज्यादा होते हैं। उससे क्या कब ना लूंगा। अरे कुछ तो रहम करो पांडे जी। पूरे 5000 लूंगा। तुम अपना सब करो। मैं लेके आ रहा हूँ। बैठ जाओ। बैठ। ससुरा कहता है 5000। अरे काहे की ब्रह्म हत्या काहे का पाप। अरे बदनाम ही होंगे तो यहाँ पहले ही कौन सा हमारा नाम है। हम पहले से बदनाम हैं। ससुरा समझता है अच्छा उल्लू भाषा है। अरे अगर 6 दिन भूखा रहने से 5000 मिलते हो तो मैं महीने में 5 बार यही काम करूंगा। यहाँ तो जब पूरे महीने अपनी नाक घिसो तब कहीं जाके 1000 रुपल्ली पैदा होती है। ससुरा 5000। अरे इससे अच्छा हो कि मार। इसीलिए तुझे डरावने ख्वाब आते हैं। कम सोया था और मुझे तुझसे ज्यादा फिकर है। अभी गया था मैं ससुरे के पास बस वहीं से चला है कि हुआ। तुम गए थे और नहीं तुझे क्या बोला वो राजी हुआ। ससुर 5000 लौटा है। ससुरा कौड़ी कम नहीं करता और भगवान इस वक्त मेरे पास तो 1000 रुपए से ज्यादा ना होंगे। ठीक है अब तुम्हारे पास नहीं है तो मुझसे ले लो। कम से कम जान तो बचेगी। मुझे रोज पूरा पूरा ख्वाब आता है। देख आदमी बड़ा काठन है। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे रुपए भी ले ले और दुनिया भर को दिखाता भी फिर तब क्या करें। खूब जाती हूँ क्या पता रुपए रास्ते में छुपा ले और मुझसे कहे कि दे आया। अब फिर ये भी कहने लगे रुपए लेकर भी घर टाला तो मैं क्या करूंगी। तुम रुको मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे तू कहाँ चलेगी मैं जाके आता हूँ। नहीं मैं भी चलती हूँ रुपए लेकर आती हूँ। अरे अरे बैठे बैठा हाथ से 5000 रुपए निकले चले जाते हैं। अरे दोबारा न जाने कब इतने रुपए देखने को मिलेंगे। इससे तो अच्छा होता कि ससुरा मर गया होता। चलो हो गई तैयार। अरे